हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो, अपनी जो क्लास चल रही थी, ये न्यूज़ आपने पढ़ी ली होगी कि अपनी जो ऑफलाइन जो क्लास है कब से स्टार्ट होने वाली है। 1 सितंबर से आपकी क्लासें खुल जाएगी। तो अब आपके इस महीने के अंदर आपकी जो ऑनलाइन क्लासें चलेगी और 1 तारीख से आपकी ऑफलाइन चालू हो जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले अपना क्या है, 12th के टॉपिक को समझने के लिए जो टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब उनको अपने को ज़्यादा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। देखो, मैं एडजस्टमेंट बता रहा था अब तक आपको, और उन एडजस्टमेंट में मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट बताए थे। कौन कौन से एडजस्टमेंट बताए थे? एक बताया था मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं अदत या बकाया वे। दूसरा मैंने बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त या अग्रिम वे। तीसरा मैंने बताया था एक्रूड इनकम, उपार्जित या बकाया आय। और चौथा बताया था अनर्ड इनकम, अनुपार्जित या अग्रिम आय। ये जो चारों एडजस्टमेंट है, इनके बारे में मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं और इनको कहां कहां पर दिखाया जाता है, किसको ऐड किया जाता है, किसको लेस किया जाता है, और बैलेंस शीट में इनको कहां दिखाया जाता है। तो ये 4 एडजस्टमेंट, ये तो आपके मेन एडजस्टमेंट है ही, जो लगभग हर चैप्टर में काम आएंगे। लगभग ये मान लो, कोई कोई चैप्टर ऐसे हो सकता है जहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा लगभग हर चैप्टर में, 12th के जितने भी चैप्टर में, सब में या हर जगह काम में आएंगे। अब इसके बाद में आगे वाला जो एडजस्टमेंट है वो मैं बता देता हूं, 5वें नंबर का एडजस्टमेंट, क्योंकि लगभग 14-15 एडजस्टमेंट है तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5वें नंबर का एडजस्टमेंट है आपके डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। देखो, डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बताया था, एक अपने चैप्टर भी हुआ था 11th क्लास में। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हम थ्योरी में पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। व्यापार में जो संपत्तियां होती है, एसेट्स होती है, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। चालू संपत्तियां, जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, और दूसरी होती है स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां, वो संपत्तियां होती है जो व्यापार में लंबे समय तक, यानी कि दीर्घ काल के लिए काम में आती है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। और करंट एसेट्स कौन सी होती है? ऐसी चालू संपत्तियां जिनकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक की होती है। अधिकतम अवधि, वो समय 1 महीने भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो पीरियड होता है, अधिकतम समय होता है, वो 1 वर्ष तक का ही होता है। 1 वर्ष से ज्यादा समय तक के लिए वो संपत्तियां नहीं होती है। जैसे आपके कैश, बैंक, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन हो जाए तो 1 दिन में हो जाए, वरना 1 महीने में परिवर्तन हो, लेकिन ज्यादा ज्यादा 1 वर्ष होता है कि इनमें तो परिवर्तन होना ही होना है। आपके डेटर्स यानी कि देनदार, स्टॉक, ये संपत्तियां ऐसी होती है जिनमें परिवर्तन होता रहता है बार बार, कुछ समय में ही, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और दूसरी मैंने बताई आपको फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां वो होती है जो व्यापार में लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड के लिए काम में आती है। और लॉन्ग पीरियड के लिए जो संपत्तियां काम में आती है वो मैंने बताया आपको, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर या और कोई ऐसी संपत्तियां। तो ये व्यापार में जो स्थायी संपत्तियां होती है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, अब यह तो निश्चित है कि ये संपत्तियां व्यापार में लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज में ली जाती है। ये संपत्तियां जो होती है, जब लंबे टाइम तक काम में लेते हैं, तो जैसे जैसे समय निकलता जाता है, काम में लेते जाते हैं, इनमें घिसावट आती जाती है और धीरे धीरे इनका मूल्य कम होता जाता है। ये निश्चित है, आपने देखा होगा कि आपने कोई फर्नीचर लिया 50,000 का, साल भर बाद में जब बेचोगे तो आपको कोई भी उसके 50,000 रुपये नहीं देगा, यानी कि उसके मूल्य में कमी हो जाती है। ऐसे ही आपने मकान बनवाया, धीरे धीरे उसका मूल्य कम होता जाएगा। लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मकान की।
क्योंकि जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उसका मूल्य कम होता जाएगा। आपने कार खरीदी, आपने क्या है शोरूम से कार खरीदी, उस समय कार की जो कीमत है 8 लाख रुपए थी, 2 साल बाद में आप बेचना चाहते हो, कोई भी आपको 8 लाख रुपए नहीं देगा, क्योंकि आपने 2 साल तक जो काम में ली है उससे उसमें घिसावट आ गई है, पुरानी हो गई है। तो समय व्यतीत होने के साथ साथ संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है। तो समय के साथ जो संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। तो हम केवल व्यापार के खाते तैयार करते हैं, इसलिए व्यापार में जो संपत्तियां काम में आती है उन्हीं का डेप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं। तो व्यापार में ऐसी कोई भी संपत्ति हो सकती है जो व्यापार में ही यूज में आती है। तो समय के साथ साथ उनके मूल्य में कमी हो जाती है, मूल्य कम हो जाता है, तो व्यापार के लिए ये लॉस है, क्योंकि हमने जब खरीदी थी उस समय उनकी कीमत ज्यादा थी। अब पुस्तकों में उनको उसी मूल्य पर नहीं दिखा सकते। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटीज पक्ष दोनों का टोटल बराबर आता है। अब एसेट्स जो संपत्तियां थी, जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, जब आपने खरीदी थी टोटल संपत्तियां मान लो फिक्स्ड एसेट्स वो 5 लाख की थी, अब उनका मूल्य मार्केट में केवल 3 लाख रुपए रह गया, लेकिन आप उसको अभी भी पुस्तकों में उसको 5 लाख रुपए पर दिखा रहे हो, तो आपको तो ये लगता है कि मेरे पास 5 लाख की एसेट्स है, मैं क्या है व्यापार के जितने भी देनदार है, कर्जे हैं, उनका सबका पेमेंट कर सकता हूं। जबकि वास्तव में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आपकी संपत्तियों का मूल्य तो कम हो गया है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि व्यापार में घाटा हो गया और उसके लिए चुकाना मुश्किल हो गया, तो उसका कारण यही होता है कि व्यापार में कि घाटा इतना कैसे हो गया कि व्यापार में जो संपत्तियां लगाई जाती है और कुछ होता है उनका मूल्य तो कम हो गया, लेकिन हमारे जो लेनदार है वो बढ़ गए, हमारा जो बैंक लोन वगैरह है वो भी बढ़ गया है। तो ऐसी दशा में जब संपत्तियों का मूल्य कम हो गया, हमने उनको कम करके नहीं दिखाया, तो उनसे पेमेंट कैसे करेंगे? हमारे जो लेनदार है यानी कि जिनको हम भुगतान करेंगे वो तो है मान लो 8 लाख रुपए, यानी कि हमारे को 8 लाख रुपए का भुगतान करना है। और हमारी जो संपत्तियां थी शुरू में क्या, उनका जो मूल्य है वो 10 लाख रुपए था, लेकिन धीरे धीरे अब उनका मूल्य है 3 लाख रुपए रह गया, लेकिन हमने उनको 8 लाख रुपए मान रखा है, वो 10 लाख रुपए मान रखा है। हम ये सोच रहे हैं कि उसमें से पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कहां से कर दे, संपत्तियां तो हमारे पास इतने मूल्य की है ही नहीं। इसलिए व्यापार की एक्चुअल कंडीशन जानने के लिए डेप्रिसिएशन ज्ञात किया जाता है। तो संपत्तियों के मूल्य में जो कमी हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा देते हैं। जिस संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाती है उस संपत्ति के मूल्य में से उसको घटा करके दिखा दिया जाता है। तो घटाकर दिखाने से हम व्यापार के लिए वो खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन को खर्चा माना जाता है, हानि मानी जाती है, और संपत्ति के मूल्य में से उसको इसलिए घटा दिया जाता है ताकि व्यापारी को यह मालूम रहे कि व्यापार में जो संपत्तियां हैं उनका एक्चुअल जो मूल्य है, मतलब वास्तविक मूल्य है, वो कितना है। तो इसलिए उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो हमारे को मालूम चल जाती है। तो व्यापार की जो एक्चुअल कंडीशन है वो भी हमारे को मालूम चल जाती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन के नाम से इसको खर्चा मान करके दिखा दिया जाता है, तो इससे व्यापार का प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि व्यापार का धीरे धीरे डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको सर, हाँ सर, ये मैसेज कर रहे हैं किंग कांग कौन है, क्या करना है, मैसेज कर रहे हैं आप, मैसेज देखो ये क्या गलत मैसेज कर, किंग कौन है मैसेज, ये मैसेज कर रहे हैं कौन है, किंग किंग है, किंग नाम से चला रहे है, मैसेज कर रहे है बात, किन नामों से इसको, अभी बता रहा हूं देखो। तो देखो इसमें कैसे दिखाया जाता है वो देखो, इसमें जैसे मान लो कि हमारे पास है फर्नीचर, ठीक है, और व्यापार में ये जो फर्नीचर है उसका मूल्य था 50,000 रुपए।
50,000 रुपए का फर्नीचर था हमारे पास, ठीक है, जब हमने खरीदा था। लेकिन अब क्या है, हमने अनुमान लगाया क्योंकि कितना मूल्य कम हो गया है, या तो मार्केट में उसकी जो कीमत है वो मालूम की जाती है, या फिर एक अनुमान होता है कि उसके मूल्य में कितनी कमी हो जाती है। जैसे मैंने तुम्हारे को अभी एग्जांपल दिया कार का, कि कार क्या है, आपने खरीदी थी वो 8 लाख की खरीदी थी, साल भर बाद में जब आपने बेचने की बात की तो मालूम हुआ कि उसकी जो कीमत है 7 लाख रुपए, 7 लाख, यानी कि 7 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है आपकी कार को। इसका मतलब है कि उसके मूल्य में 1 लाख की कमी हो गई है, तो वो डेप्रिसिएशन है, वो 1 लाख रुपए माना जाएगा। तो ऐसे ही कई ऐसी वस्तुएं होती है, ऐसी कई संपत्तियां होती है जिनका केवल एक अनुमान लगाया जाता है कि उसके मूल्य में है वो लगभग कितनी कमी हो गई। तो मार्केट में उनकी प्रचलित जो रेट होती है वो होती है, या फिर एक अनुमान होता है कि इतना मूल्य तो इसका कम हो गया है, या उसका जीवन काल, जीवन काल से भी मालूम चलता है। कई संपत्तियां जो होती है उनका एक अनुमान लगाया जाता है कि ये संपत्ति इतने टाइम चलेगी। जैसे कोई संपत्ति है उस, जैसे फर्नीचर, अनुमान लगाया कि 5 साल ही चलेगा, 5 साल चलेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे तो 10,000 रुपये आ गए। तो इसका मतलब है कि हर वर्ष उस फर्नीचर के मूल्य में 10,000 की कमी हो गई है। ये 10,000 रुपये है वो डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाया जाएगा हर वर्ष। ऐसे 5 वर्ष के बाद में उस संपत्ति का मूल्य फिर शून्य माना जाएगा। 5 वर्ष के बाद में फर्नीचर हमारे पास रहेगा, लेकिन हम तो ये मानेंगे कि फर्नीचर का मूल्य कुछ भी नहीं है। अब ये बात अलग है कि उसको बेचने से कुछ पैसा तो हमारे को प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाते जाते हैं। तो अब देखो, ये फर्नीचर जो 50,000 का है और हमने अनुमान लगाया कि हर वर्ष इसके मूल्य में 10,000 रुपए की कमी हो जाती है, तो 10,000 रुपए की जो कमी हो जाती है वो डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन को इसको व्यापार में खर्चा मान करके दिखाया जाता है। अब खर्चा मान करके इसको कहाँ दिखाएंगे वो देखिए, मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट जो होता है आपके, उसमें 3 खाते होते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। खर्चे और आय वो सब ट्रेडिंग और पीएनएल में दिखाई जाती है। ट्रेडिंग में केवल गिने चुने मदे दिखाई जाती है ट्रेडिंग में, तो क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, सीआर साइड में तो 2 ही मदे आती है आपके, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा और कोई मद आती नहीं है। और डीआर साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं जो उत्पादन से संबंधित होते हैं या माल के क्रय से संबंधित होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें मदे ज्यादा आती है। उसमें सीआर साइड में तो व्यापार से संबंधित जितनी भी इनकम होती है उनको दिखाया जाता है, व्यापार से संबंधित, घर की नहीं। और ऐसे व्यापार से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो सब खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखाए जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये फर्नीचर के मूल्य में जो कमी हुई है 10,000 रुपए, क्योंकि प्रश्न में दिया जाएगा कि उसका मूल्य है कितना कम हो गया है, या तो प्रतिशत दिया जाता है, कई बार प्रतिशत दे दिया जाता है कि 10% कमी हो गई है, तो 50,000 का 10% 5,000 हो गया, या फिर कई बार उसका जीवन काल दिया जाता है। अब जीवन काल दे दिया जाता है तो जितने मूल्य की संपत्ति है उसमें जीवन काल का भाग दे देंगे, वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हर वर्ष का। तो जीवन काल मैंने बताया कि इसमें इसका जीवन काल मान लो कि 5 वर्ष है, तो 50,000 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। अगर जीवन काल 10 वर्ष है तो इसमें 10 का भाग दे देंगे, 5,000 रुपये आ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, आप ये मान लो कि इसका जीवन काल 10 वर्ष है, क्योंकि अधिकतर स्थायी संपत्तियों का जीवन काल है वो ज्यादा ही होता है, तो 10 वर्ष है तो हमने 10 का इसमें भाग दे दिया, और 10 का इसमें भाग देने पर ये 5,000 रुपये जो आया यही डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ये डेप्रिसिएशन है। अब मूल्य में कमी हो गई है, फर्नीचर तो 50,000 का था लेकिन 5,000 रुपये कम हो गया है, तो इसका मतलब फर्नीचर का मूल्य 45,000 ही है, और ये 5,000 रुपये व्यापार के लिए लॉस है, तो इसको लॉस मानकर, खर्चा मान करके दिखाया जाता है। और इस खर्चे को हम कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, खर्चे जितने भी होते हैं वो डीआर साइड में दिखाए जाते हैं,
इधर टू का इस्तेमाल होता है और सी आर साइड में वाई का इस्तेमाल होता है। तो डी आर साइड में इसको डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा देंगे, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये आपके अमाउंट, तो जैसे 5,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है तो इसको 5,000 रुपए दिखा देंगे अमाउंट वाले कॉलम। तो जितना भी डेप्रिसिएशन होता है कितना होता है ये आपको प्रश्न से मालूम चल जाएगा। वो डेप्रिसिएशन व्यापार के लिए खर्चा है, इसलिए उसको खर्चा मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा दे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इसको हमेशा डीआर साइड में दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन कोई सा भी हो, कोई भी स्थायी संपत्ति हो, चाहे बिल्डिंग मशीन फर्नीचर कुछ भी हो सकता है, सब पर जो डेप्रिसिएशन होता है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में ही दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है कभी भी। ये तो हो गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? देखो बैलेंस शीट में आपके वही दो पक्ष होते हैं, लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो संपत्ति या जितनी भी होती है वो सब बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? एसेट्स पक्ष में। तो फर्नीचर जो है आपके संपत्ति है, एसेट्स है, तो इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? एसेट्स पक्ष में। तो एसेट्स पक्ष में हम दिखाएंगे इसको। तो एसेट्स पक्ष में सबसे पहले हम लिख देंगे फर्नीचर। फर्नीचर का जो मूल्य है कितना था? 50,000, और उसके मूल्य में कितनी कमी हो गई है? 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए को डेप्रिसिएशन के नाम से घटा कर दिखा देंगे। तो डेप्रिसिएशन के नाम से 5,000 रुपए लेस कर देंगे, तो अमाउंट वाला जो कॉलम है उसमें कितना आ जाएगा? 45,000 रुपए। इस प्रकार से अमाउंट वाला जो कॉलम है उसमें 45,000 आ जाएगा। तो अब इसमें हमारे को मालूम चल गया है कि फर्नीचर जो कि इस वर्ष में 50,000 का था, वर्ष के अंत तक उसके मूल्य में 5,000 की कमी हो गई है, और अब फर्नीचर का मूल्य इस वर्ष के अंत में 45,000 है। तो हमारी एक्चुअल जो कंडीशन है व्यापार की वो मालूम चल जाती है। तो डेप्रिसिएशन को हमेशा हम क्या करते हैं? दो जगह दिखाते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे खर्चा मान करके जितना डेप्रिसिएशन होता है, और फिर उसको बैलेंस शीट में हम कहां दिखाते हैं? एसेट्स पक्ष में। जिस संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है उसी संपत्ति में से घटा करके। अब फर्नीचर के मूल्य में कमी तो फर्नीचर में से घटाएंगे, बिल्डिंग का मूल्य कम हुआ है तो बिल्डिंग में से लेस करेंगे, और कोई संपत्ति है, मशीन है, तो मशीन के मूल्य में से कम करेंगे। दिखाने का तरीका ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको दो जगह दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपके डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, ठीक है। इतना ही है इसमें, और कोई इसमें ज्यादा नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि इसको खर्चा मान करके पीएनएल में दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में संबंधित संपत्ति के मूल्य में से घटा करके दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आगे वाला एडजस्टमेंट। देखो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। अब आता है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। आहरण पर ब्याज, ड्राविंग्स का मैंने बताया था कि व्यापार में से निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर व्यापार में से नकद पैसा या माल निकाल लिया जाता है तो उसे हम आहरण कहते हैं, ठीक है। ये तो ड्राविंग्स हो गया। अब ड्राविंग्स कैश के रूप में भी हो सकता है, माल के रूप में भी होता है। अगर व्यापारी के द्वारा नकद में पैसा निकाला गया है
तो है तो वो ड्राविंग्स। लेकिन अगर व्यापार में ऐसा नियम बनाया गया है कि व्यापारी के द्वारा कोई आहरण किया जाता है तो उस पर उसको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार और व्यापारी दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना जाता है। व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है, क्योंकि व्यापार को अलग मान करके चला जाता है, क्योंकि ऐसे तो व्यापारी उसमें से माल पैसा निकालता रहेगा और उसमें अगर नहीं लिखेगा तो कभी भी उसको क्या है ये मालूम नहीं चलेगा कि मेरे व्यापार की जो एक्चुअल कंडीशन है वो क्या है। इसलिए क्या है, व्यापार में से कुछ भी पैसा निकाला जाता है तो अन्य पक्षकार मान करके उसको दिखाया जाता है, तभी क्या है हमारे को एक्चुअल कंडीशन का मालूम चलेगा। और ऐसा जो पैसा निकाला जाता है व्यापारी के द्वारा वो ड्राविंग्स होता है, माल निकाला जाता है वो भी ड्राविंग्स है। लेकिन मैं बात नकद पैसे की बता रहा हूं कि अगर नकद पैसा निकाला जाता है और व्यापार में नियम है कि आहरण यदि किया जाता है व्यापारी के द्वारा, नकद पैसा निकाला जाता है, तो उसको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। व्यापारी ब्याज देता है तो दूसरे को नहीं देना पड़ता है, मतलब व्यापार में ही वो उसको दिखाता है ब्याज दे करके कि अगर अन्य किसी व्यक्ति को अगर पैसा दिया जाता तो उसे ब्याज प्राप्त होता। तो ऐसे ही इसमें ब्याज व्यापारी के द्वारा दिया जाता है, व्यापार को प्राप्त हो रहा है तो व्यापार के लिए इनकम हो गई, क्योंकि व्यापार को ब्याज प्राप्त होता है, चाहे व्यापारी से प्राप्त हो या अन्य किसी से प्राप्त हो, वो व्यापार के लिए इनकम है। तो आहरण पर जो ब्याज है कितना होगा, ये हमेशा प्रश्न में दिया जाता है कि आहरण पर इस प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाना है। तो ब्याज दिया जाएगा, व्यापारी दे रहा है, और हम जो खाते तैयार करते हैं व्यापारी के थोड़े तैयार करते हैं, व्यापार के तैयार करते हैं। तो व्यापार के लिए वो इनकम है या खर्चा है बस वो देखा जाता है, व्यापारी के लिए क्या इससे कोई मतलब नहीं है। व्यापारी के लिए वो इनकम है या खर्चा है वो अलग है, लेकिन हम जो खाते तैयार करते हैं वो व्यापार के तैयार करते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से वो चीज क्या है, आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए इनकम है, क्योंकि जो ब्याज है वो व्यापार को प्राप्त होता है और व्यापारी के द्वारा भुगतान किया जाता है, इसलिए व्यापार के लिए इनकम है। और व्यापार के लिए यदि इनकम होती है तो हम इसको फाइनल अकाउंट में कहां दिखाते हैं मालूम है, व्यापार में जितनी भी इनकम प्राप्त होती है, ब्याज, किराया, कमीशन, उन सबको हम फाइनल अकाउंट में कहां दिखाते हैं मालूम है। इनकम जितनी भी होती है उसको फाइनल अकाउंट में कहां दिखाते हैं, नहीं मालूम, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, 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 यस सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितनी भी इनकम होती है उसको हम फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में, सीआर साइड में, सीआर साइड में, हाँ, सीआर साइड। देखो व्यापार में जितनी भी इनकम आती है, चाहे ब्याज प्राप्त किया हो, कमीशन प्राप्त किया हो या और कोई इनकम हो, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में आती है। आहरण पर ब्याज चुका तो व्यापारी रहे, लेकिन खाते तो हम व्यापार के बना रहे, तो व्यापार के लिए तो ये इनकम है, और व्यापार के लिए इनकम है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखाएंगे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ाएंगे तो इसको देखो कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर साइड में, सीआर साइड में दिखा देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, आहरण पर ब्याज। तो आपका जो अमाउंट वाला जो कॉलम है, अब मान लो कि प्रश्न में दे रखा है, क्योंकि कितना ब्याज है कितना आहरण है ये तो प्रश्न में दिया जाएगा। अब प्रश्न में दे रखा है कि व्यापारी के द्वारा 20,000 रुपए का आहरण किया गया है, ड्राविंग्स है वो कितना है 20,000, और प्रश्न में दे रखा है कि आहरण पर जो ब्याज की जो दर है वो 5% है। आहरण पर ब्याज की जो दर है वो 5% है और व्यापारी के द्वारा जो आहरण है वो 20,000 रुपए का किया है, तो 5% की दर से हम ब्याज ज्ञात कर लेंगे 20,000 पर। तो 20,000 पर 5% की दर से आपके जो ब्याज है
वो आपके कितना होता है 1000 रुपए। अच्छा प्रश्न में अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ष का निकाल लेंगे, लेकिन प्रश्न में अगर समय दे रखा है तो उतने समय का ज्ञात करेंगे। प्रश्न में बस इतना ही दे रखा है आहरण, तो इसका मतलब है पूरे वर्ष का है। तो 5% की दर से 20,000 पर 1000 रुपए ब्याज हो गया, तो ये 1000 रुपए ब्याज है इसको P&L के CR साइड में दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि व्यापार के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स के नाम से इसको P&L अकाउंट के CR साइड में दिखा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा P&L अकाउंट के CR साइड में, कि P&L अकाउंट के CR साइड में हम कैसे दिखाते हैं। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग और P&L में दिखाने के बाद में फिर बैलेंस शीट में और दिखाया जाता है, इसलिए तो वो एडजस्टमेंट है, समायोजन। अब बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में आपके ये लायबिलिटी साइड है, अमाउंट, और फिर एसेट्स और अमाउंट, ठीक। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि ड्राविंग्स को हम कहां दिखाते हैं। देखो तुमने जो फाइनल अकाउंट बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि ड्राविंग्स जो होता है उसको हमेशा कैपिटल में से लेस किया जाता है। ड्राविंग्स को हम कहां दिखाते हैं, कैपिटल में से लेस करके, और कैपिटल हम कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल को हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। और मैंने यह भी बताया था कि जब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाई जाती है तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट होता है तो उसको जोड़ देते हैं, नेट लॉस होता है तो उसको घटा देते हैं। तो एक ही चीज होती है, तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। ड्राविंग्स होता है तो उसको भी हम लेस कर देते हैं। इनकम टैक्स को यदि कोई है तो उसको भी हम लेस कर देते हैं। तो अब क्या है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है, ड्राविंग्स है, तो अब कैसे दिखाएंगे। अब मान लो कि प्रश्न में दे रखा है कि व्यापारी के द्वारा जो कैपिटल लगाई गई थी वो थी 5 लाख रुपए। कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए। सब ये प्रश्न में इंफॉर्मेशन होगी सारी कि कैपिटल कितनी है, ड्राविंग्स कितनी है, और ब्याज की जो दर है वो कितनी है, तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे। बिना सूचनाओं के तो हम कोई कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो आहरण जो दे रखा था 20,000 दे रखा था, ब्याज की दर 5% थी प्रश्न में, 5% की दर से आहरण पर ब्याज हमारा 1000 रुपये हो गया, जिसको हमने P&L अकाउंट के CR साइड में दिखा दिया। और ये मैंने बताई दिया था कि व्यापार के लिए ये इनकम है, इसलिए इसको हमेशा P&L के CR साइड में दिखाया जाता है। लेकिन अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स और ड्राविंग्स दोनों को ही कैपिटल में से लेस किया जाता है। ड्राविंग्स है वो तो हम कैपिटल में से लेस करते ही करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है उसको भी हम कैपिटल में से लेस करते हैं। लेकिन कैसे दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स होता है